गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.1। तो हमारे पास ये एक्सरसाइज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड रहती है। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो, आई वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन, ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई सेल बी 3 times as old as you will be. Represent the situation algebraically and graphically. तो हमें ये प्रूव करना है कि जो दोनों के एजेस रहते हैं वो हम एक ग्राफ प्लॉटेशन पे रिप्रेजेंटेशन बनाना है। तो अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन राइट कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर वन में रहेगा, लेट द एज ऑफ आफ्ताब की जो एज रहती है वो एक्स एंड डॉटर की आफ्ताब डॉटर एज। आफ्ताब है उसकी डॉटर की एज रहती है वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में दो टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे। हम पहले टाइप का बना लेते हैं। तो हमारे पास है एक्स माइनस सेवन, हमने 7 ईयर पहले की बात की तो वाई माइनस सेवन आ गया, उसको जो टाइम्स था वो 7 टाइम किया तो एक्स माइनस सेवन 7y-49 आ गया। x-7y = 49-7, जो माइनस की वैल्यू थी वो प्लस में आ गई और जो 49 प्लस सब्सट्रैक्ट करेंगे हमारे पास 42 बचेगा। अब इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट इक्वेशन रहता है वो है, इस साइड का 1 ही डाला मैंने, x+3 and 3 into y+3। ये 3 इसलिए ऐड किया क्योंकि उसमें लिखा था कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो अब उनकी एज 3 साल बाद कितनी होगी वो लिखा x+3 = 3y+9, तो x-3y = 6। ये हमारे पास आ गया। हमें अब वैल्यूज डालने, मैंने इस वाली इक्वेशन को 1 डाला, इस वाली को 2। तो हम जब यूज करेंगे 1, तो मैंने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू 0 रखी इन 1 में डाली तो आ गया -7y = -42। तो y की वैल्यू आती है हमारे पास 6, कट चुका है y की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। अगली बार मैंने y की वैल्यू अब 6 डाली हमने, y की वैल्यू 7 डाली तो हमारे पास वैल्यू जो हमने किसमें डाली इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास आ गया x-7 × 7 - 42, x-49 - 42। 42 से जब हम 49 सब्सट्रैक्ट करेंगे 7 बचेगा, तो हमारे पास इसका जो टेबल था वो टेबल यही बना लेते हैं। वो आ गया ये x और ये y। अगर मैंने x की वैल्यू 0 डाली तो y का आंसर आता है 6, अगर मैंने x की वैल्यू 7 डाली तो y की वैल्यू भी कितना डाला है हमारे पास 7 ही डाली हुई। तो ये जो हमारा था फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब मुझे सेकंड इक्वेशन सॉल्व करना है, ये माइनस था, अब मुझे सेकंड इक्वेशन सॉल्व करना है। तो हम यही कर लेते हैं यूजिंग
टू, तो आ गया x माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। मैंने टेबल बना लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ x राइट किया, यहाँ पे y, हमने अब x की वैल्यू एक बार जीरो डाली, तो चेक कर लेते हैं। थ्री वाई माइनस सिक्स, माइनस का थ्री वाई आया, प्लस का सिक्स आया, y की वैल्यू आ गई माइनस टू। अगर x जीरो रहता है, y की वैल्यू माइनस टू आती है। हमें इसी के साथ दूसरी वैल्यू निकालनी है, वो मैं यही निकाल लेता हूँ। तो अब मुझे एक बार जब मैंने x जीरो रखा तो माइनस का टू आया, अगर मैं y की वैल्यू वन डालता हूँ, y की वैल्यू वन डालता हूँ, तो x माइनस थ्री माइनस सिक्स इक्व टू जीरो आ गया, x माइनस नाइन इक्व टू जीरो, x की वैल्यू नाइन आ गई। तो अगर मैं y की वैल्यू वन डालता हूँ तो x की वैल्यू नाइन आती। अब मुझे ग्राफ बनाना है, ग्राफ के लाइन सबके अलग अलग हो सकते हैं, हमें कोई भी वैल्यू हम इक्वेशंस में पुट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये हमने ग्राफ के लाइंस ले लिए हैं, तो हमारे पास जो क्वेश्चन रहता है उसमें हमारे पास वैल्यू है 0677। अगर x की वैल्यू जीरो रहती है, ये x वाली लाइन है और ये वाली y वाली, अगर x की वैल्यू जीरो रहती है तो जो y है उसका आंसर है हमारे पास 6। तो यहाँ x जीरो, y कितना आ गया 6, तो हम लिखेंगे 06 फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब हमारे पास 77 दूसरा पॉइंट है, तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे 7 है तो y 7 यहाँ जैसे आएगा, तो इसके मिलते जुलते हम यहाँ जैसे से ऐसे, तो 7 यहाँ जैसे आ गया, ये वाला पॉइंट तो आ गया 7 7, तो वो हमने लाइन ड्रॉ कर ली। जैसे हमने लाइन ड्रॉ की तो हमने इक्वेशन लिख लिया, हमारे पास आंसर किससे आता है, वो आया हमारे पास आंसर इस इक्वेशन, तो x माइनस सेवन बाई माइनस फोर्टी टू, ये था। अब जो नेक्स्ट है 0 माइनस टू, तो 0 x की वैल्यू माइनस टू y की, तो 0 माइनस टू आ गया। जो दूसरा रहता है वो है x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ जैसे आ जाएगा 9 1। हमने पॉइंट्स प्रीवियस क्लास के जैसे ग्राफ बनाया, हमारे पास ग्राफ बन गया है। तो जो हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन था वो था x माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे ओवर हो जाता है। हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर टू है, जो क्वेश्चन नंबर टू है वो अब हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर टू रहता है, ए कोच ऑफ क्रिकेट टीम बायस थ्री बैट्स सिक्स बॉल्स फॉर रुपीज 3900, लेटर द सी बायस अनदर बैट और थ्री मोर बॉल्स इन द सेम काइंड फॉर 1300, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकली। तो हमें दोबारा से सेम क्वेश्चन वही रहता है, अब हम इक्वेशंस बनाएंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हम लिखेंगे अब, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट की कॉस्ट एक्स रहती है, एंड द लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल बॉल की वाई रहती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा, तो हमारे पास तीन बैट थे, सिक्स बॉल्स थे, वो आते हैं इस रेट में, तो हम राइट कर लिया। इसी का जो इक्वेशन रहता है, हमने क्या किया, थ्री बाहर निकाला, टू वाई आ गया 1300, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। हमारे पास नाउ हमारे पास था, हमने वन बैट लिया x प्लस टू वाई इक्वल्स टू 1300, ये क्वेश्चन नंबर टू आ गया। तो अब हमारे पास दोनों इक्वेशन सेम है, तो हम दोनों के लिए सिर्फ एक ही यूजिंग वन करें चाहे टू।
अगर एक्स की वैल्यू किसके लिए, अगर एक्स की वैल्यू हम जीरो पुट आउट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2y = 1300। वाई की जो वैल्यू आई तो वो आएगी अब 301300 ऊपर से 2 कट किया, 6 2 12 5 6 5 0। और इसी के साथ हमने y की वैल्यू अगर 0 डाली तो x की y 0 हो जाएगा, तो 1300 आ जाएगा। अगर थोड़ा सा बड़ी वैल्यू डाल लेते हैं, y की वैल्यू अगर 500 डाल दी तो x प्लस 500 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 1300, तो 1000 आ गया। तो उसको सब्सट्रैक्ट किया, 300 आ गया। तो हमारे पास ऑब्वियसली दो वैल्यूज आई, तो दोनों के दोनों सेम रहेंगे। तो अब हम ग्राफ बनाएंगे, तो लाइंस लेंगे, उसके लिए लाइंस ले लिए। इस साइड वाला हमारे पास पोर्शन रहता है एक्स एक्सिस, इस साइड वाला वाई एक्सिस रहता है। हमने जो वैल्यूज लिए थे वो 0 650 था, मैं राइट कर लेता हूँ साइड में 0 650, एंड दूसरे वाला रहता है 1300 और 0 रहता है, एंड जो थर्ड रहा वो था 300 एंड 500। तो ये हमारा इधर 0 है, 650, तो 0 है, y की वैल्यू 650 आती है, तो यहाँ जैसे आएगी 0 एंड 650 आ गई। तो x की वैल्यू अगर 300 आती है तो y की ये 1300 और 0 एंड देन 300 एंड 500। ये 300 है हमारा और 500 यहाँ जैसे आएगा इधर जैसे। तो हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब वही लाइन आगे, ये था हमारा 300 500। तो हमारे पास हमारा ग्राफ बन गया। हमने क्या किया, जो पहली वैल्यू थी वो 0 और 650 थी, वो ली 300 500 लिया, एंड 1300 और 0 लिया। क्या करते हैं, अगर 1300 तो x की पोजीशन पे 1300 और 0 y है, तो ये इधर ही रहा जैसे 300, तो 300 यहां से यहां काउंट किया और y का 500 इधर, तो इन दोनों को इधर जैसे मिलता है तो यहां जैसे बना लिया। ओके, हमारा क्वेश्चन इसी के साथ ओवर हो गया। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इजीएस्ट क्वेश्चन है, हम इसमें सिर्फ इक्वेशन बनाएंगे और आप सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। आफ्टर मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आप लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन सिंपल सा है, मैं इसमें डायरेक्ट लिखना नहीं बता रहा, सॉल्व करना बता रहा हूं। हमने लिखा पहले लेट द कॉस्ट ऑफ, हमने डायरेक्टली राइट कर लिया कॉस्ट ऑफ, ऐसे लिखना है लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल एक्स की माने और ग्रेप्स को वाई। हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x + y = 160 एंड 4x + 2y = 300। इसमें से 2 बाहर निकाल देंगे तो y = 150 बचेगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर, ये दोनों इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, ये दोनों इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे टेबल्स के। टेबल्स दोबारा सेम बनाने सबको इसमें ऐसे वाले, फिर ग्राफ भी बना लेंगे। ओके, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो हमारी जो 3.1 है इसी के साथ यहीं पे ख़त्म होती है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहता है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।